दोस्तों, तो फाइनली शाहरुख खान की फिल्म पठान का टीजर कल रिलीज होने जा रहा है। फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है फिल्म पठान को लेकर। ऐसे में कल यानी 2 नवंबर को पठान फिल्म का टीजर और कलाकारों का फर्स्ट लुक देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस बार फिल्म में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण भी एक्शन अवतार में नजर आने वाली है और फिल्म में एक से बढ़कर एक जबरदस्त एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे। बीते दिनों दुबई में हो रहे फिल्म के शूट से कई तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसमें शाहरुख खान का एक्शन अवतार देखने को मिला था और अब जल्द ही फिल्म भी देखने को मिलेगी, क्योंकि फिल्म को खास दिन के मौके पर रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, पठान फिल्म एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसमें जबरदस्त एक्शन के साथ साथ सस्पेंस भी देखने को मिलेगा, क्योंकि फिल्म में शाहरुख खान एक अंडरकवर एजेंट की भूमिका निभाते नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं फिल्म की कहानी कैसे होने वाली है, साथ ही जानते हैं फिल्म के बाकी की स्टार कास्ट के बारे में। हेलो दोस्तों, बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान अब एक लंबे ब्रेक के बाद अपने एक्शन मोड में एंट्री कर चुके हैं। आने वाले साल 2023 में कई बड़े धमाके करने वाले हैं, क्योंकि अगले साल उनकी 3 बड़ी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं, जिसमें सबसे पहले देखने को मिलेगी फिल्म पठान, जिसका टीजर कल आप सभी को देखने को मिल जाएगा। पठान के बाद वो फिल्म जवान में दिखाई देंगे, जो कि 2 जून को रिलीज होगी, और फिर दिसंबर में किंग खान राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी में नजर आएंगे। बात करें फिल्म पठान की, तो ये फिल्म एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसमें जॉन अब्राहम भी फिल्म में शाहरुख खान के अपोजिट नजर आएंगे। फिल्म में एक्टर्स के फर्स्ट लुक पहले ही देखने को मिल गए थे और अब कल फिल्म का टीजर भी रिलीज कर दिया जाएगा। दोस्तों, जैसे जैसे फिल्म की रिलीज डेट नजदीक आ रही है, वैसे ही फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है, क्योंकि पठान फिल्म किंग खान की अब तक की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है। और एक और खास बात आपको बता दे, फिल्म को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद जी ने, जो कि पहले भी बैंग बैंग और वॉर जैसी बड़ी एक्शन फिल्में दे चुके हैं, और अब वही दमदार एक्शन पठान में भी देखने को मिलने वाला है। बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की, तो शाहरुख खान फिल्म में रॉ एजेंट फिरोज पठान की भूमिका निभाते नजर आएंगे और उनके साथ दीपिका पादुकोण भी फिल्म में अपने एक्शन अवतार में नजर आने वाली है, जिसका नाम होगा मैक खान। साथ ही फिल्म में जॉन अब्राहम भी विलन के रोल में नजर आएंगे, जो कि शब्बीर अंसारी की भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दे, पठान फिल्म को हिंदी के साथ साथ पैन इंडिया कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा, जो कि अगले साल यानी 25 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आप सभी फिल्म पठान में दीपिका और शाहरुख खान को एक साथ एक्शन अवतार में देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही फिल्मों से जुड़ी अपडेट्स जानने के लिए हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।